का आटा मौजूद है 10 केजी 10 किलो का 1350। ये 1350 का 10 किलो का है, और 5 किलो वाले पैकेट भी आपके पास 10 किलो के ही है सारे। और ये जो रखा है आपके पास, ये जामे शीरी 260 रुपए की, और मार्केट में क्या है इसकी वैल्यू? 320 है मार्केट वैल्यू, और यहाँ पे आपने रखी 260। ठीक है, 60 रुपए का मतलब डिस्काउंट रखा है आपने इस पे। और ये जो ऑयल रखा है अरीसा ऑयल 440 है इसकी प्राइस। तो ये क्या एक 1 लीटर वाला है? 900 ml है ये। अच्छा, ये देखिए 900 ml का है ये। तो ये बॉक्स कितने का है पूरा? 2200 रुपए का बॉक्स है, और ये लूज में है 440। अस्सलामुअलैकुम जी सलीम भाई, तो आप बताएंगे आपकी यहाँ पे ये इस आटे की क्या प्राइस है? जी यहाँ पर आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने रमजान सहूलत बाजार के नाम से बाजार का इनेकाज किया गया, तो हमारे पास आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं आटा यहाँ पर हम 1260 रुपये बेच रहे हैं, जिसकी मार्केट के अंदर इस वक्त 1400-1450 रुपये कीमत चल रही है। कितने दिन के लिए लगाया गया है ये? यहाँ पर आज हमारा एक दिन का है, मजीद आगे भी हमारे इंशाल्लाह एक प्लान है। आज के दिन में हमारे कराची के अंदर 22 मुकाम पर जो है ये बाजार हमारे इस वक्त चल रहे हैं। आज ही लगाया गया है? लगाएंगे 22 मुकाम पर। 22 तो लेकिन अभी ये नहीं पता कि कितने दिन चलने वाला है ये बाजार, ये अभी फिलहाल कुछ कह नहीं सकते। तो प्रोग्राम तो हमारा है, इसको आगे लेकर चले इंशाल्लाह, जैसे रिस्पांस आएगा इंशाल्लाह इसको आगे लेकर। मतलब लोगों के रिस्पांस पे डिपेंड करता है कि जितना रिस्पांस होगा जितना ज्यादा रिस्पांस आएगा इंशाल्लाह इतना ज्यादा इसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो अभी जो आपने ये आइटम रखे, तो इसके बाद इसमें क्या सब्जी और फल का इजाफा भी होगा? जी बिल्कुल, अभी तो हमारे पास आया नहीं, लेकिन थोड़ी देर में हमारे पास सब्जी भी आ जाएगी, फ्रूट भी आ जाएगा, फिर इसके अलावा गोश्त है बीफ का, वो भी इंशाल्लाह यहाँ पर मार्केट में जो इस वक्त बीफ का गोश्त बिक रहा है वो 850-900 रुपए बिक रहा है, हम यहाँ पर लोगों को 500 रुपए में देंगे इंशाल्लाह। तो बहुत अच्छा डिस्काउंट है यहाँ पर जो है, वो सब्जी के भी जो आधे रेट है इंशाल्लाह वो भी यहाँ पर हम लोगों को सब्जी के रेटों में ज्यादा सब्सिडी देने की। देखिए गोश्त की जो आपने रेट बताया ना, तो अब आपसे रश संभाला नहीं जाएगा ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। अस्सलाम वालेकुम जी, तो आप बताएंगे कि इस बाजार के बारे में डिटेल बताएंगे आपने, और कहाँ कहाँ लगाया ये भी बताइएगा। अभी देखें अगर मैं आपसे बात करूँ ना, तो एक नौमौलूद सियासी पार्टी जी और शहर के 22 मकामात पर एक साथ बाजार, एक साथ लगाया है, यानी कि 22 इवेंट आप ग्रैंड इवेंट एक साथ कर रहे हैं एक सियासी पार्टी, ये कराची की तारीख में कभी नहीं हुई जी। इससे पहले पोलिटिकल पार्टीज ना मैक्सिमम 7-8-9 जगहों पर वो मुजाहरा कर लेती हैं चौक रोड बंद करने के लिए, लेकिन अवामी बहबूद के 20 इवेंट बैक वक्त और वो भी रमजान में ये सिर्फ पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग कर रही है, और अब अल्लाह ने इस शहर को हकीकी मानों में काम करने वाले टक्कर दे दिए कि आजो बस मैदान में काम आवाम के लिए करना है। वो जो कहते हैं ना टक्कर के लोग, हाँ। तो टक्कर के लोग अब मैदान में आ गए हैं जो आवाम की खिदमत करेंगे। सही है। तो ये अभी इस वक्त हमारे 22 बाजार जो है वो बैक वक्त चल रहे हैं, और आने वाले दिनों में अभी ईद के बाद हमने दो जो है वो प्लान किए हुए, एक तो रमजान में हम 25वीं शहरी को अहले कराची के लिए दावत आम है और वो तकरीबन हमारे 30 पॉइंट्स के ऊपर, अच्छा, मुख्तलिफ ग्राउंडों में पार्कों में चौकों चौराहों पे दावत आम होगी। तकरीबन हमारा इरादा है कि हम 10 लाख लोगों को शहरी करवाएं। अच्छा, शहरी के लिए है, शहरी के लिए दावत आम होगी, 10 लाख लोगों को शहरी हम उस दिन करवाएं, माशाल्लाह, 25वें रोजे की शहरी। और उसके बाद हमारा जो अगला मनसूबा है वो ये है कि हम हर यूनियन काउंसिल की सतह पे एक सहूलत मरकज कायम करें, जहाँ पे लोगों को ना सिर्फ सस्ती अशिया दस्तियाब हों बल्कि उनको एमरजेंसी में जो ज़रूरत पड़ने वाली चीज़ें हैं, व्हील चेयर हो गई, फायर एक्सटेंशन हो गए, अच्छा, और इब्तदाई तिब्बी इमदाद की चीज़ें हो गई, वहाँ पे वक्फे से मेडिकल कैंप्स करवाना लोगों को, तो उन सहूलत मराकज के अंदर हम इस तरह की चीज़ें रखेंगे जो कॉमन यूज़ किए हैं और वो लोग खरीद के घर पे आम यूज़ यानी कि नहीं कर सकते, मुस्तकिल नहीं रख सकते जी, तो लामहाला रेंट पे लेनी पड़ती है, वो एक हम ऐसी तरतीब बनाएंगे कि जिसके मुताबिक वो सारी चीज़ें हम लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट दिया करेंगे। भाई फौतगी हो गई, आपको जितनी चीज़ें हैं यहाँ से ले जाएं, 3 दिन इस्तेमाल करें, उसके बाद वापस लें। तो ये इस तरह के हमारे बड़े अवामी मनसूबे हैं, इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ आपको नज़र भी आएंगे, और अल्लाह ने चाहा तो ये बहुत बड़ा एक आप समझ लें कि एक अपसेट होगा आने वाले दिनों में सियासत के अंदर। ये सबसे अच्छी बात ही यही है आपने जो बताई है कि आप सिर्फ रमजान तक महदूद नहीं है, और आप बाद में भी आवाम की रिलीफ के लिए उनको आसानियां देने के लिए आप बाद में भी आप ये लगाने वाले हैं बचत बाजार। अच्छा, ये बात सिर्फ मैं बाद में दावे के तौर पे नहीं कर रहा, ये हमारा रिकॉर्ड है। इस वक्त कराची के अंदर 40 जगहों पे हमारे सस्ते तंदूर चल रहे हैं। अच्छा,
40 जगहों पे तंदूर चल रहे हैं और हर जगह पे 10 रुपए की रोटी मिल रही है। 10 रुपए की रोटी और मार्केट में इस वक्त रोटी 20 से 25 रुपए की मिल रही है। जी जी सही। 10 रुपए की 90 ग्राम की रोटी मयारी रोटी जो है वो अब वहाँ पे दे रहे हैं। ये हमारे साथ मौजूद है मरकजी मुस्लिम लीग के रहनुमा नदीम आवान साहब। जी सर, आप बताएंगे कि आपने ये बचत बाजार लगाने का और ये आवाम को सहूलत देने के लिए जो रोजगार प्रोग्राम और सस्ती तंदूर रोटी तंदूर की इस्तेमाल किया, ये आपने क्या सोच के किया है शुरू? बहुत शुक्रिया जी। इस वक्त पोजीशन ये है कि सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक जो महंगाई की शरह है वो 48.72 हो चुकी है जी। और जो तनख्वाहदार तबका है तनख्वाह तो उसकी वही है, मगर किराया मकान, बच्चों के स्कूल की फीस, आटा चीनी दाल चावल, यहाँ तक के बिजली गैस और हर चीज उसकी महंगी हो चुकी है। अगर मैं ये कहूँ कि 30,000 तनख्वाह वाला बंदा जो है उसको नोट तो 30 मिलते हैं मगर उसकी वैल्यू 15,000 रह गई। सही बात। अच्छा, इस वक्त परेशानी लोगों को बहुत ज्यादा है और मरकजी मुस्लिम लीग ये चाहती है कि हम लोगों को ना आवाम को सहूलत फराहम करें, क्योंकि अभी इस वक्त हम इख्तदार में नहीं है, हमारे पास इख्तियार नहीं है, मगर इसके बावजूद हमने कई ऐसे प्रोजेक्ट शुरू किए हैं कि जिसमें हम आम तनख्वाहदार बंदे को या आम शहरी को जो सफेद पोश है उसको कुछ सब्सिडी फराम करें, कोई जो है ना उसको सहूलत फराम करें। आज शहर कराची में इस वक्त 22 मकाम पर अवामी सहूलत बाजार लगाए गए हैं। अच्छा, इन बाजारों के अंदर जो है मुख्तलिफ अशिया चीज़ें मौजूद हैं। मैं कई बाजारों का विजिट करके आया हूँ जहाँ पे मौके के ऊपर ही जानवर जबा करके गोश्त का इंतजाम भी मौजूद है, सब्जी अच्छा। और जो है ना फ्रूट का इनके स्टॉल भी मौजूद है। तो चूंकि रमजान मुबारक है, हम चाहते हैं कि हमारे जो अफ्तार दस्तरखान है घरों में वो भी बेहतर हो, कुछ ईद की तैयारी कर सके, वहाँ पे बच्चों के औरतों के कपड़े जूते और दीगर चीजें हैं। अच्छा। इसका आइडिया सिर्फ इतना है कि हमने लोगों को होलसेलर्स को या जो जिनकी प्रोडक्ट है उनसे रब्ता किया, उनको कायल किया कि एक दिन आप अपना मुनाफा छोड़ दें और बगैर मुनाफे के जिस कीमत पे आपको ये कीमत पड़ रही है आप उसमें दे दें। कुछ ऐसे लोग भी हमें मिले साहिब सरवत के जिनसे हमने कहा कि आप कुछ सब्सिडी शामिल कर दें जो ज़कात से हटकर हो ताकि लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। मुख्तलिफ जगहों पर आटे की कीमत मुख्तलिफ चल रही है, हमारे पास उसमें काफ़ी हद तक कमी है, दालों में कमी है, मुख्तलिफ चीज़ों में कमी है। तो इसका एक हम चाहते हैं कि कोई अगर अपने घर का सौदा हमसे लेके जाता है तो उसकी चंद हज़ार की ख़रीदारी पर चंद सौ रुपये उसको लाजमी बच जाए। आज शहर के 22 मकाम पे मुख्तलिफ अंदाज से ये बाजार लगाए जा रहे हैं। तो यहाँ पे भी मैं कई बाजारों में गया हूँ, वहाँ पे लोगों का जिस अंदाज से रुझान है आना है और उसमें खुशी का इजहार महसूस कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि हम एक बड़ी तादाद में लोगों को रिलीफ देने में कामयाब होंगे। ये सिलसिला हमारा सस्ता सब्जी बाजार का, सस्ता तंदूर का और दीगर ये सिलसिले हमारे रेगुलर चल रहे हैं और हम आएंगे रमजान के बाद भी चलेंगे। रमजान के बाद हम ये चाहते हैं कि इस वक्त हम मुख्तलिफ जगहों पर सर्वे कर रहे हैं कि ये एक दिन का सहूलत बाजार काफी नहीं है और बहुत सारे लोगों को इसकी खबर नहीं हो सकती। सोशल मीडिया पे जो हम तक रابطے में है वो आ जाते हैं। तो हम इलाकों में मुस्तकिल बुनियादों पे अवामी सहूलत मरकज शुरू करें जो 30 दिन के ऊपर वहाँ पे मौजूद हो और लोग अपनी जरूरत के तहत जब चाहें वहाँ पर आए और खरीदारी करें। हम कराची में 100 तंदूर लगाने का हमारा प्रोजेक्ट है, वो 40 के करीब हम लगा चुके हैं जहाँ पे आधी कीमत पे हम रोटियां फराम कर रहे हैं। कल भी दो इलाकों के अंदर, गुलबर्ग के अंदर और फेडरल बी एरिया के इलाकों में कल भी वहाँ पे हमने इफ्तिताह किया, मलीर, केमाड़ी, औरंगी टाउन, इब्राहिम हैदरी, मंगोपीर और ये जो मुजाफाती इलाके हैं या वो आबादियाँ जो कच्ची आबादियाँ कहलाती हैं वो हमारा ज्यादा फोकस है। तो आप किसी दिन कोई फ्री राशन की तकसीम का भी कुछ आपका सिलसिला है? अच्छा, फ्री राशन की तकसीम का ये है कि मरकजी मुस्लिम लीग जो है इलाकों के अंदर सर्वे करके जहाँ पे हमारे लोग मौजूद हैं हम बेवाओं में, यतीमों में, दीगर जो मुस्तहकीन हैं उनमें राशन की तकसीम का सिलसिला करते हैं। अभी भी हम कर रहे हैं मगर वहाँ पे हमारे एक अंदाज है कि हम खामोशी से सर्वे करते हैं या राशन पहुँचा देते हैं या टोकन दे देते हैं जिनके बारे में पता चल जाता है, जिनके बारे में पता चलता है। जो लाइन लगा के और एक जो रश लगाने वाली कैफियत होती है वो हम कोशिश करते हैं कि इज्जत नफ्स मजरूह ना हो, अगर किसी की मदद करनी है तो खामोशी के साथ की जाए। तो इसमें आप ये देखेंगे कि कभी भी हमारे किसी भी ऐसे मकाम के ऊपर कोई भगदड़ नहीं मची और कोई दीगर मामला नहीं हुआ। कई कराची में वाकयात हुए कि राशन तकसीम करने में लोग खुश रह गए और कई लोग जो है ना वहाँ पे फोत हो गए। जी जी। तो हम समझते हैं कि ये वाला तरीका दुरुस्त नहीं है, तरीका ज्यादा बेहतर है कि आप सर्वे करें, खामोशी से पहुँचा दें, सही लोगों का इंतखाब करें, उनका खामोशी से पहुँचा। मतलब ये जो आप कर रहे हैं, आप कुछ लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं इसमें, डोनेट कर रहे हैं, मतलब आपको दे रहे हैं कुछ सामान दे रहे हैं या वैसे मदद कर रहे हैं कुछ? यकीन ये लोगों की सपोर्ट के साथ ही है। कल स्पेशल पर्सन के दो इवेंट थे हमारे, एक मेट्रोविल साइट में और एक बल्दिया टाउन में, जहाँ डेफ गूंगे बहरे जो है उनको राशन फराम किया गया। आज हमारा जो इवेंट है वो मलीर और लांडी के इलाके के अंदर अच्छा। है, वहाँ पे भी स्पेशल पर्सन को दे रहे हैं। तो ये है कि ये लोगों के तावन के साथ ही मुमकिन होता है और लोगों को जब ये एतमाद होता है कि एक काम शफाफ तरीके से हो रहा है और इनके पास एक रिश्ते और सारी चीज़ें मौजूद हैं तो खुशी के साथ हमारे साथ इस काम में आगे बढ़ते हैं। ठीक है।
अगर आप कोई मैसेज देना चाहते हैं कि आप लोगों से कुछ कहना चाहते हैं कि किस तरह आपको सपोर्ट करें, आप कुछ बताना चाहते हैं इस बारे में? देखिए, हम लोगों से ना पहली गुजारिश तो ये करेंगे कि इस वक्त जो सूरत हाल अपने गिर्द नवा में देखें, अगर हम में से हर बंदा अपने हिस्से की शमा जलाएगा तो माशरे का ये जो तारीकी है इसमें रोशनी होगी। माशरे को संवारने में हर बंदे को अपना रोल अदा करना चाहिए। मरकजी मुस्लिम लीग यही शऊर लेकर आई है लोगों के दरमियान, जो हमारे प्रोजेक्ट है हमारे साथ मिले, हमारे बाजू बने, हमें मजबूत करें ताकि हम माशरे के अंदर मजीद बेहतरी के साथ इन कामों को आगे बढ़ा सकें। थैंक यू सो मच, शुक्रिया आपका।